अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, क्लास 4, चैप्टर 1, पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग। एज वी स्टडी यस्टरडे टिल हियर, इट वाज टेलिंग अबाउट द पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग, हाउ शी लुक्स। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। इट मस्ट बी एडमिटेड, ये बात माननी पड़ेगी, दैट द माउथ, के वो चेहरा, के उसका मुंह, अंडर द दिस नोज, इस नाक के नीचे, वाज अ वेरी वाइड वन। ये बात माननी पड़ेगी कि इस नाक के नीचे जो मुंह था वो बहुत बड़ा था। विद स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ, जिसमें सफेद मजबूत दांत थे। हर ड्रेस वाज रादर अनयूजुअल, और उसका लिबास भी गैर मामूली था। पीपी हैड मेड इट हरसेल्फ, पीपी ने इसे खुद बनाया था। She had meant it to be blue, उसका मतलब था कि ये एक नीले रंग का होता, but there wasn't quite enough blue cloth, लेकिन नीला कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं था। So Pippi had sewed little red pieces on it, here and there, इसलिए Pippi ने उस पर जगह जगह सुरख रंग के पीस लगा दिए थे। On her long thin legs, she wore a pair of long stockings. स्टॉकिंग्स जुराबों को भी कहते हैं, ठीक है। और वो अपनी पतली टांगों पे लंबी लंबी जुराबे पहनती, वन ब्राउन, एक जो जुराब वो ब्राउन रंग की, एंड द अदर ब्लैक, और दूसरी ब्लैक काली। शी हैड ऑन अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज दैट वर एग्जैक्टली ट्वाइस एज लॉन्ग एज हर फीट, और उसके पास काले जूतों का एक जोड़ा था जो कि उसके पाँव से दो गुना बड़ा था, बड़े थे जूते उसके, ठीक है। हर फादर हैड ब्रॉड दीज शूज़ फॉर हर इन साउथ अमेरिका, उसके वालिद उसके लिए ये जूते साउथ अमेरिका से लाए थे। सो दैट पीपी वुड हैव समथिंग टू ग्रो इनटू, उनका मतलब था कि पीपी इतनी बड़ी हो जाएगी। शी लव्ड देम, पीपी शी लव देम, वो उनको पसंद करती थी। एंड शी नेवर वॉन्टेड टू वियर एनी अदर, और वो इनके अलावा कोई और ना पहनती थी, ठीक है, जूतों की बात हो रही है। बट द थिंग दैट मेड टॉमी एंड अनिका ओपन देयर आईज वाइडेस्ट ऑफ ऑल वाज द मंकी सिटिंग ऑन द स्ट्रेन गर्ल्स शोल्डर्स। बट द थिंग, लेकिन वो चीज़ दैट मेड टॉमी एंड अनिका ओपन देयर आईज वाइडेस्ट ऑफ ऑल, जिसने अनिका, टॉमी एंड अनिका की आंखें बहुत बड़ी करके खोली, वो क्या थी? वाज द मंकी सिटिंग ऑन द स्ट्रेंज गर्ल्स शोल्डर, के एक बंदर जो उस अजनबी लड़की के कंधों पर होता था। वो बात जिसने टॉमी और अनिका की आंखें खुली रख दी, वो थी कि उस अजनबी लड़की के कंधों पर एक बंदर बैठा होता था। इट वाज अ लिटिल मंकी, ये एक छोटा बंदर था, ड्रेस्ड इन ब्लू पैंट्स, जिसने पहने होते थे ब्लू रंग की पैंट, आ येलो जैकेट, एक पीली जैकेट, एंड अ वाइट स्ट्रॉ हैट, और एक सफ़ेद स्ट्रॉ हैट, ठीक है। पीपी वॉक्ड अलोंग द स्ट्रीट विद वन फुट ऑन द साइड वॉक एंड द अदर इन द गटर। पीपी जब गली में चलती तो उसका एक पाँव साइड पे होता और दूसरा गटर के ऊपर से। टॉमी एंड अनिका वॉच्ड एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर, टॉमी एंड अनिका उसको इतनी दूर तक देखते जितना के दूर वो देख सकते थे, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी मिसिंग है, इसलिए ये दो तीन लाइनें यहाँ से मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। यहाँ से समझ नहीं आ रही क्या क्या लिखा हुआ। नेक्स्ट आते हैं, द चिल्ड्रन लुक्ड एट ईच अदर इन साइलेंस, बच्चे एक दूसरे को खामोशी से देखते। एट लास्ट टॉमी स्पोक, आखिरकार टॉमी बोला, वाई डिड यू वॉक बैकवर्ड, के तुम पीछे की तरफ क्यों चल रही हो। वाई डिड आई वॉक बैकवर्ड, सेड पीपी, पीपी ने कहा कि मैं पीछे की तरफ क्यों चल रही हूँ। इजंट दिस अ फ्री कंट्री, क्या ये एक आज़ाद मुल्क नहीं है। कांट अ पर्सन वॉक एनी वे शी वॉन्ट्स टू, क्या कोई उस तरीके से नहीं चल सकता जिस तरह के वो चाहती है। लेट मी टेल यू, मुझे बताने दो, दैट इन इजिप्ट, के मिसर में,
एवरीबॉडी वॉक्स दैट वे, कि हर कोई इसी तरह ही चलता है, एंड नो बॉडी थिंक्स, और कोई नहीं सोचता इट्स द लीस्ट बिट स्ट्रेंज, कि ये ज़रा सा भी अजीब हो। ठीक है, मुझे बताने दो कि इजिप्ट मतलब मिस्र में हर कोई इसी तरीके से चलता है और कोई नहीं कह समझता कि ये ज़रा भी अजीब हो। हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता, आस्क टॉमी, टॉमी ने पूछा। यू हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, तुम कभी भी इजिप्ट नहीं गई, हैव यू, क्या कभी तुम गई हो। आई हैव बीन टू इजिप्ट, मैं मिस्र गई हुई हूँ। इंडीड आई हैव, दैट्स वन थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ, आई हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सीन मैनी थिंग्स स्ट्रेंजर देन पीपल वॉकिंग बैकवर्ड। मैं वहाँ पे गई हुई हूँ और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मैंने इस दुनिया में और भी बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें देखी, बजाय इसके कि लोग पीछे की तरफ चलते हों। ठीक है, आई वंडर वट यू वुड हैव सेड, मैं हैरान हूँ कि तुमने क्या कहा है। इफ़ आई हैड कम अलॉन्ग वॉकिंग ऑन माई हैंड्स द वे दे डू इन फॉरेस्ट एशिया, आई वंडर, मैं हैरान हूँ, वट यू वुड हैव सेड, वट यू वुड हैव, कि तुमने क्या कहा है, सेड कि क्या तुमने क्या कहा है। इफ़ आई हैड कम अलॉन्ग वॉकिंग ऑन माई हैंड्स द वे दे डू इन फॉरेस्ट एशिया, कि जैसे मैं अपने हाथों पे चल के वापस आई हूँ, जैसा कि एशिया में लोग करते हैं। नो यू मस्ट बी लाइंग, सेड टॉमी, टॉमी ने कहा अब तुम झूठ बोल रही हो। पीपी थॉट फॉर अ मोमेंट, पीपी ने एक लम्हे के लिए सोचा, यू आर राइट, तुमने ठीक कहा। शी सेड सैडली आई एम लाइंग, उसने उदासी से कहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ठीक है, हाँ ये पेज आपने रीड करना है। जिस जगह से आपको समझ नहीं आए आप मुझे कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको वो दोबारा समझा दिया करूँगी। अंडरस्टैंड, आज के लिए यही है, अगले लेसन से फिर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।